everybody, good morning, namaskar, namaste, sasriyakal. आज इंडिया में एक स्पेशल डे है, वो है रविंद्रनाथ टैगोर, विश्व को भी रविंद्रनाथ टैगोर की जन्मदिन है, तो उन्हें प्रणाम देके आज मैं मेरी ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ. मेरी फेसबुक फ्रेंड्स को थैंक बोलना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आप बाहर में रहते हो तो बहुत सारे चीज़ें आपको नहीं पता चलते हैं, जैसे बहुत सारे फेस्टिवल कहाँ से क्या चले जाते हैं आपको पता ही नहीं. आपको पता है ओके आज ये फेस्टिवल है, बट कैसे मनाते हैं, क्या हो रहे हैं, आपको सच में पता ही नहीं चलते हैं. तो फेसबुक के फ्रेंड्स के द्वारा मुझे पता चल जाते हैं. वो लोग हमेशा फोटो देते हैं. या मम्मा लिया ने आज खुद से तैयार हुआ है, खुद से तैयार हुआ है इन द सेंस उसने है भाभी आज से उसने वो जो फ्रॉक पहना है वो खुद चूज किया. मम्मा ये मैं पहनूंगी. और फिर आशु 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 हेलो बोले दो, हेलो बोले दो की बोल. अच्छा मैं जाबू तो मालिन करते, हेलो बोले दो ना. ओके वो अभी ड्राइंग करना चाहते हैं तो उसे अभी कुछ नहीं करना. मामा 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 तो ये है कि आज मैं आपको दिखाती हूँ, जब मेरे पास भी बहुत सारे काम होते हैं या मुझे पढ़ाई करना होते हैं तो, और लिया को मैं कैसे बिजी रखती हूँ और मैं खुद भी थोड़ा सा काम कर सकूँ, तो आज हम वो शेयर करेंगे आपसे. क्योंकि मुझे पता है घर में अगर छोटी बच्चे हो तो कितना डिफिकल्ट है सब कुछ मैनेज करना. ये मुझे पढ़ना है, मैं कब क्या करूं मुझे खुद पता नहीं चलते है. रात को कभी कभी जब लिया सो जाती है मैं ट्राई करती हूँ थोड़ी बहुत पहनने के लिए, और बीच बीच में जब वो दोपहर में सोते हैं तब भी ट्राई करती हूँ, क्योंकि और भी घर में और भी काम रहते हैं, तो मैं हर टाइम में ट्राई करती हूँ कि लिया को भी बिजी रखूँ और मैं भी कुछ करूँ. तुम मालिन करो माँ, मामा मालिन बस हमें मालिन ही भाभी तुम्हार आउटो रेडी. माय गॉड और एक आउट हूँ, ठीक है ओके मामा. सब इट इज हियर नॉक मिया ओके. তুমি আমাকে একটা হাজি মালিন করো, একটা হাজি মালিন করো সব. মে আউট ওকে ইশ মাক মে আউট ইশ মাক মে আউট মাই পিটার কাম নেক্সট 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 ওকে কাম আই লাভ আউট ইউ সো সো ইট ইজ গুড দেখাও এটা দিয়ে করো. Liebling.
Seid schon fertig? Ja. Super. Fabula? Willst du noch ein Kleid haben? Ja. Moment, gib ich dir. Ja, Schatzi. Ruhiger zu. Fertig? Fertig? Ja. Okay, super. Dann kannst du das bügeln. Etakurda. Okay. Was ist das? Das ist Mamas T-Shirt. Das ist Mamas T-Shirt, Schatz. So? Ja. Super, mein Liebling. Lea kann bügeln. Lea kann bügeln, ja. पता है लिया भी बिजी है, वो भी प्रेस कर सकती है और मैं भी कर सकती हूँ, तो हो जाते हैं काम जल्दी जल्दी, दोनों मिलके करते हैं, तो वो भी सोचता है कि वो कर रही है, तो अच्छी बात है। बच्चों को वैसे ही हमेशा अच्छी है, आप अगर खुद के काम के साथ इंटीग्रेट करो ना, तो वो बहुत जल्दी सेल्फ डिपेंड्स भी हो जाते हैं। मम्मी तुम मामा टी शर्ट हो गया से ओके सुंदर करे करबे किंतु आज इस अच्छे मौके पे मुझे एक बहुत अच्छी गाना याद आ रहा है जो मैं इंडिया में गाती थी मेरे ग्रुप के साथ, और मुझे ये गाना बहुत पसंद भी था। या बाबा आसी या शाची ओके, और वो गाना कहीं ना कहीं मेरे जीवन से भी कनेक्टेड है। जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि आपके सपोर्ट मुझे अभी चाहिए, मामा आस्ते आस्ते बाबा या फॉजिस्ट आपके सपोर्ट मुझे चाहिए, तो आप मुझे दिक्कत के मत दीजिए। तो ये गाना आज सुबह मुझे बहुत याद आया, ये मैं आपके साथ थोड़ी दो लाइन शेयर करना चाहती हूँ। अभी तो मेरे गले बिल्कुल ख़राब हो गए, मैं तो मुझे तो अभी गाना गाना ही नहीं आती है, फिर भी दिल कर रहे है कि मैं आपके साथ ये गाना बहुत शेयर करूँ, क्योंकि ये मुझे बहुत फेवरेट गाना भी थी ना। বড় আশা করে এসেছি গো কাছে ডেকেলাম, যা করি মামা মত গানা মত গানা, মেরি গলা ইতনা খারাপ হ্যায়। মা
मैं यहाँ पे लंच रेडी कर रही हूँ और लिया मेरे लिए गाना गा रही है। अच्छा मामा आलू काट के आप रही मम्मी खीरे पे छे तुम्हारी बीबी बाबा अभी थोड़े से प्यार ओ मुराग कोड़े जो मामा ऊपरे दो मिनट के बाद सब ठीक हो गए हैं मामा ये मामा हिल जाए वो कह रही मैं उसके पीछे बैठूं ओ ओ माय गॉड चलो 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 उड़ी बाबा जी उड़ी बाबा चलो 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 मामा सिटन ओ गॉड शाची मम बेन मामा दा सिट इज गेट कपट आ ओ सो 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 ओ ओली मामा ले ओली 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 लिया एशन आया क्या मामा मार्क किया ग्लाइश आया ना शॉट पॉजिट मैं इतने गरम हाइस ना इतना हाइस मामा ओके आज लिया की मूड बिल्कुल ठीक नहीं है क्या करूं की हो क्या नो वीडियो
बाल है पूरे फुल है। ये हर रोज़ मैं करती हूँ रॉक्सी के साथ, क्योंकि अभी मौसम चेंज हो रही है, समर आ रही है, तो ऐसे होते हैं हमेशा मौसम चेंज होने के साथ साथ उसके बाल भी बहुत झड़ते हैं।
तो आप भी, ये होता है कि स्टार्टिंग में अपने वैक्यूम किए 2 मिनट पर जैसा था वैसे ही हो गए, तो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाता है, फिर कम ही हो जाते हैं बिल्कुल ही। तो अभी लिया सो गई है, तो अभी मैं थोड़ा सा खाना खाऊंगी और उसके बाद थोड़ा काम है, वो तो घर में हमेशा ही काम रहते हैं। आज सुबह सुबह मैंने इतना तैयार होकर बैठी हूँ कि मुझे 2-3 वीडियो शूट करनी है आपकी खुद के आयुर्वेदा के लिए, तो इसीलिए नॉर्मली मैं सुबह सुबह उठ के इतना साजी धस के नहीं बैठती हूँ। Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Frau Bantima Zunder-Becker. Ich komme aus Indien und ich würde gerne heute mit Ihnen über Ayurveda etwas sprechen. So, was ist Ayurveda? So, mein Gott, आज बहुत थक गई हूँ, पता नहीं इतने काम भी नहीं किए लेकिन फिर भी इतना थका हुआ लग रहे हैं। तो मेरी वीडियोस भी ख़त्म हो गई है, अभी देखना है कि वो कैसे हुआ। कभी कभी होते हैं मैं शूट करती हूँ लेकिन फिर भी पोस्ट नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मुझे वो अच्छा नहीं लगता है फिर, कि ये ब्लॉग अलग है और वो वीडियो अलग है क्योंकि वो मेरे प्रोफेशनल है, तो वो थोड़ी अच्छी होनी चाहिए और ब्लॉग जो है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ मैं कैसे रहती हूँ, क्या क्या बात करती हूँ, कैसे ये वगैरह, तो इतना कुछ नहीं, अच्छे होते होते नहीं होते, जो मैं हूँ ना, क्या करूँ, मैं खुद को तो चेंज नहीं कर पाऊँगी ना, और मैं खुद को चेंज करना भी नहीं चाहती हूँ, या तो जो मैं हूँ ओके या तो मुझे रात को देखना है वो वीडियो दोबारा कैसे हुआ है, और या फिर देखेंगे क्या 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 करते हैं उससे। ओके, आप भी, मैं शायद थोड़ा सा कॉफ़ी बनाऊँगी उसके साथ, कॉफ़ी पीऊँगी और थोड़ा काम बाकी है वो करूँगी, क्योंकि अभी लिया सोए हुए है तो ये मेरी फ्री टाइम है तो मैं कंसंट्रेट कर सकती हूँ कुछ चीज़ पे। पर प्रॉब्लम होता है कि मैं सारे दिन इतने बिजी रहती हूँ मित लिया से, जब मुझे फ्री टाइम मिलता है लिया के बिना तो मुझे दिल करता है कि सिर्फ आग बंद के थोड़ा सा टाइम स्पेंड करूँ खुद के साथ, ये होता है कभी कभी। अगर आज हमारे वीडियो आपको अच्छा लगा तो फिर से मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, और हम मिलेंगे फिर कल सुबह एक नए वीडियो के साथ। आपके श्रबोंती।